स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश 2. बिकॉज ऑल द यूनिट ऑफ आवर सब्जेक्ट इज कंप्लीटेड नाउ, सो वी विल डू द रिवीजन फ्रॉम यूनिट नंबर 1. बिकॉज द कोर्स ऑफ ग्रामर इज नॉट डिवाइडेड इनटू पार्ट 1 एंड पार्ट 2. द होल कोर्स विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो वी विल डू द रिवीजन फ्रॉम unit number 1 only. So we have learned already unit number 1, the sentence. So we will learn what is the sentence. Okay, first of all I am giving you an example, and then we will see what is the sentence.
अब हमने देखा कि सेंटेंस क्या है। अब सेंटेंस लिख रहे हो अब तो दो थिंग्स है जो हमें रिमेम्बर रखनी है। कौन सी दो चीजें हैं? अभी हमने जो लिखा एन एप्पल इज अ फ्रूट, ये जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड है वो सेंस है वो कंप्लीट करता है ना। लेकिन इसमें दो थिंग्स ऐसी है जो कंपल्सरी सेंटेंस में होनी ही चाहिए। अगर ऐसा हम लिखे तो ये रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस में जो दो चीज है वो पहले ये है कि सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है बिगिन होता है तो उसका फर्स्ट लेटर है वो कैसा होता है, ऑलवेज कैपिटल में ही आता है। एक ये थी, और दूसरी जो थिंग है वो है सेंटेंस जहां पे खत्म होता है इसका एंड होता है वहां पे हमें फुल स्टॉप करना पड़ता है। ये जो डॉट है इसको हम बोलेंगे फुल स्टॉप। ओके, सो ये दो थिंग्स है कि सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए, और दूसरा थिंग उसका जब एंड हो सेंटेंस खत्म होता है तो फुल स्टॉप कंपल्सरी हमें करना पड़ता है। ओके, तो ये जो है वो सेम वर्ड्स है, मीनिंग भी दोनों का सेम है, लेकिन ये दो थिंग है इसमें नहीं है इसलिए ये रॉन्ग है। समिंग सेंटेंस कौन सा है? ये वाला है जो कंप्लीट सेंस भी है और जो बिगिन है उसकी जो स्टार्टिंग है वो कैपिटल लेटर से भी हुई है और एंड में फुल स्टॉप भी है, इसलिए इसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं। तो द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद कैपिटल लेटर। और दूसरी जो थिंग है वो है अ फुल स्टॉप, मस्ट बी प्लेस्ड सेंटेंस। ओके, सो राइट दिस टू थिंग्स वी मस्ट हैव टू डू इन द सेंटेंस। अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें वर्ड्स है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इसको हमें सेंटेंस बनाना है, प्रॉपर ऑर्डर में भी लिखना है और कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप को भी यूज करना है। तो पहला है नेम माय स्कूल ऑफ, स्कूल
यहाँ पे नेम माय स्कूल ऑफ सेंट पीटर्स इज स्कूल, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फुल स्टॉप भी नहीं है, कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग भी नहीं हुई है और इसका मीनिंग है सेंस है वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है इसे वर्ड से, तो क्या करेंगे इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो क्या होगा माय स्कूल, तो हम इसको अरेंज करेंगे यहाँ पे भी है तो जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वहीं से आपको वही वर्ड से आपको स्टार्टिंग करना है। तो दो पहले आएगा फिर आएगा द नेम ऑफ माय स्कूल इज सेंट पीटर्स स्कूल फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप भी ऐड करना है, स्टार्टिंग है वो कैपिटल लेटर से भी करनी है और उसका सेंस है मीनिंग है वो भी कंप्लीट होना चाहिए जो सभी इसमें है। यहाँ पे भी वर्ड्स है वो अनजम्बल है, प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, इसलिए इसका मीनिंग है सेंस है वो कंप्लीट नहीं होता। इसको हम पहले अरेंज करेंगे, जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उससे आपको स्टार्ट करना है। ओके माय, फिर आएगा यहाँ पे क्या सेंस हो सकता है कि मेरी जो स्कूल है वो घर से क्लोज है यानी नजदीक है। माय स्कूल इज क्लोज टू माय होम, यहाँ पे होम के बाद जो फुल स्टॉप है इसलिए होम है वो लास्ट में आएगा और फिर आएगा फुल स्टॉप। ओके अब है वो सेंस है वो कंप्लीट हो रहा है, माय स्कूल इज क्लोज टू माय होम फुल स्टॉप, सेंस भी कंप्लीट हो रहा है, सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप भी लगाया हुआ है और स्टार्टिंग है वो कैपिटल लेटर से भी हुई है। ओके अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, स्पोर्ट्स एट देयर स्कूल के बाद यानी ये वाला वर्ड है वो सबसे एंड में आएगा और जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वो सबसे स्टार्टिंग में आएगा, सबसे पहले आएगा ऑफ आर लॉर्ड्स माय। ओके इसको हम सेंस कंप्लीट करने के लिए अरेंज भी करेंगे। ओके देर से स्टार्टिंग करनी है तो क्या आएगा देर आर लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स एट, फिर आएगा माय और लास्ट में कौन सा लिखना है स्कूल, फिर स्कूल स्टॉप। ओके तो देर आर लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स एट माय स्कूल कंप्लीट सेंस कंप्लीट हो रहा है, स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से भी है फुल स्टॉप है एंड में, सो इसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं इसको नहीं बोल सकते। ओके तो पहले ये जो सेंटेंसेस है वो लिख लो अपनी बुक में, एग्जाम में भी आपको इस तरह उलट सुलट वर्ड्स देकर आपको बोला जा सकता है कि सेंटेंस मेक द सेंटेंस। ओके
सो कैसे बनाना है वो मीनिंग के हिसाब से आपको बनाना है. राइट दिस सेंटेंसेस इन योर बुक. अब दूसरी एक्सरसाइज एस सी भी आ सकती है कि पुटिंग द कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप. तो सेंटेंस में कैपिटल लेटर है वो कहाँ आते हैं, सेंटेंस के बिगिन में, स्टार्टिंग में और एंड में फुल स्टॉप हमें करना होता है. सो मैं यहाँ पे वो एक सेंटेंस लिख रही हूँ. अरुण हैज अ न्यू कॉपी. कॉपी के बाद आपको रखना है फुल स्टॉप. ओके, सेकंड सेंटेंस है आई एम लर्निंग हाउ टू स्विम. इन दिस ऑल्सो देर इज नो कैपिटल लेटर एंड देर इज नो फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ सेंटेंस. सो क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग है वो कैपिटल लेटर से करेंगे. तो क्या आएगा, आई एम लर्निंग हाउ टू स्विम and put in the full stop. Next is mother back again. On Anil's birthday. सेंटेंस सबसे पहले जो एम है वो कैसा आएगा, कैपिटल आएगा. तो मदर बेक अ केक ऑन, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अनिल, अनिल है वो नेम है, प्रॉपर नेम है. इसीलिए कोई भी गर्ल का बॉय का नेम हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल ही होता है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या सेंटेंस के मिडल में हो, कहीं पे भी हो. इसलिए अनिल का ए भी हमें कैपिटल करना पड़ेगा. अनिल्स बर्थडे, और यहाँ पे क्या करना है, फुल स्टॉप रखना है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है क्लाउन इज मेकिंग अस लाफ. इन दिस सेंटेंस द है, इसका टी कैपिटल करना है. द क्लाउन इज मेकिंग अस लाफ और फुल स्टॉप. अंडरस्टूड, तो लिख लो इतने सेंटेंसेस पहले.
हमने यहाँ पे जो लेशन है वो लर्न किया द सेंटेंस। तो सेंटेंस किसको बोलते हैं? तो सेंटेंस अगर वर्ड से उसमें सेंटेंस की जो वर्ड है वो प्रॉपर अरेंज हुए होने चाहिए, उसका जो सेंस है मीनिंग है वो कंप्लीट होता हुआ होना चाहिए और उसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होनी चाहिए और एंड में फुल स्टॉप है वो नेसेसरी होता है, उसी को ही हम प्रॉपर सेंटेंस बोल सकते हैं। ओके कुछ टाइम कुछ वर्ड्स होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेकिन वो अपना मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं करते, जैसे कि हम यहाँ पे एक प्लेट, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे इन द गार्डन, इसमें सेंस है वो हो रहा है इन द गार्डन लेकिन सेंस पूरा नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। गार्डन है लेकिन गार्डन में क्या, तो इसमें ना तो वर्ब है ना सब्जेक्ट है, सिर्फ वर्ड्स ऑफ ग्रुप है। तो ऐसे जो जिसमें थोड़ा बहुत सेंस हो रहा हो और ऐसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो उसको हम बोलेंगे फ्रेज बोल सकते हैं। ओके लेकिन हम ऐसा लिखें वी प्ले इन द गार्डन, वर्ब भी आया इसको हम वर्ब बोलेंगे, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, इसको हम बोल सकते हैं सेंटेंस। ओके तो सेंस वाले जो वर्ड्स ऑफ ग्रुप हो लेकिन उसमें वर्ब ना हो तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। लेकिन वर्ड्स ऑफ ग्रुप भी हो सेंस भी कंप्लीट हो रहा हो और उसके अंदर वर्ब हो सब्जेक्ट हो उसको हम सेंटेंस है वो बोल सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, इस चैप्टर में भी जो हमें लर्न करना था वो मोस्टली सब हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे, तब तक आपने भी आगे जो सब कुछ बुक में लिखा होगा वो भी रिवाइज करते रहना है। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।